हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है शुक्रवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो आज मैं ब्रेकफास्ट के बाद अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो बाकी का काम करने से पहले सोचा मैं आज थोड़ा स्किन केयर कर लूँ। तो उसके लिए मैं उपटन एक बना रही हूँ जिसमें मैंने ऐड किया है ग्रीन टी। ग्रीन टी ऐड करने के बाद मैंने ले लिया है उसमें 1 टीस्पून बेसन और 1 टीस्पून दही और कुछ बूंदे लेमन के। फिर सबको डाल के अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ग्रीन टी में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे एक्ने को रिड्यूस करता है और स्किन में जो भी इन्फेक्शन हो उससे लड़ने में मदद करता है। इसमें आपका विटामिन ई एंड B12 भी पाया जाता है जो हमारे स्किन के हेल्थ को मेंटेन करता है। और फिर दही का तो यूजेज आपको पता ही है। दही में रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन बी है जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और डेड स्किन को रिड्यूस करता है। और ग्रीन टी में और एक फ़ायदा है कि आपके एजिंग को वो स्लो डाउन कर देता है। और फिर हमने डाला है इसमें बेसन जो सदियों से चला आ रहा है हमारे नानी दादी के ज़माने से। तो बेसन डेड स्किन को रिमूव करने के साथ साथ ऑयलीनेस जो हमारा स्किन में होता है उसको भी रिड्यूस करता है, एक्सफोलिएट करता है और जितनी भी गंदगी हो उसको भी रिमूव करता है। और अगर आपका स्किन टैन हो गया हो तो उससे भी रिमूव करने में हेल्प करता है। और लेमन जो डाला है वो आपका स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है। तो फेस पैक लगाने के बाद आधा घंटा के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी और आधा घंटा के बाद हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो साथ में हम काम भी कर लें। तो ब्रेकफास्ट के बर्तन सब पड़े हुए थे तो उसको मैंने क्लीन किया। करने के बाद फिर सब टॉयज़ पूरब के इधर उधर पड़े हुए हैं तो उसको अरेंज कर रही थी और फिर थोड़ा डस्टिंग भी करना था। आप पूरब को देख ही रहे होंगे, अभी उसकी गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है तो वो अभी घर पे ही है तो अपना चिल कर रहा है, अपना आईपैड में बिजी है। पहले तो सुबह सुबह सब बिखेर देता है टॉयज से खेल खेल के, फिर उसे बोर हो जाता है तो आईपैड लेके बैठ जाता है। तो इस तरह की उसकी चलती रहती है। फिर बीच में पढ़ाई भी कर लेता है, मस्ती भी करता है। तो इस तरह से उसका दिन जा रहा है। फिर उसको मैंने कुछ एक्टिविटीज़ में उसको डाला है तो उसको भी लेके जाती हूँ। तो हम सब लेडीज़ मल्टीटास्किंग तो होते ही हैं तो सब काम हमें ही करना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि जब सब काम हमें ही देखना है, हमें ही करना है तो फिर बैठ के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम मोबाइल लेके या कोई भी चीज़ में अगर बिज़ी हो जाते हैं तो सारा काम डीले का डीले पड़ा रह जाता है। तो बेटर है उसको साइड करके पहले हम अपना काम कर लें और फिर फ्री होके फिर बाकी का अपना एंटरटेन करें अपने आप को, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सारा दिन आप काम ही नहीं कर सकते हैं ना, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। तो सब काम ख़त्म हो गया, फिर पूरा अपना स्नान करके थोड़ा गॉड को प्रार्थना कर रहा है भगवान जी के सामने। और फिर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ तो लंच में मैं बना रही हूँ सोयाबीन पुलाव। तो उसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया है तेल में तेजपत्ता और दालचीनी। फिर उसके बाद मैंने प्याज और आलू दोनों एक साथ ही डाल दिया है। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें गार्लिक, चॉप किया हुआ गार्लिक डाला है और फिर जिंजर को ग्रेट करके मैं डाल रही हूँ। और फिर सबको अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीन्स चॉप किया हुआ, तो उसको भी अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और फिर सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक पैकेट मैगी मसाला। सबको मिलाने के बाद, मसाले को भून देने के बाद, फिर मैं इसमें रोस्ट किया हुआ सोयाबीन ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी अच्छी तरीके से मसाले में कोट कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो मसाले में अच्छी तरीके से कोट हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये सोयाबीन को मैंने पहले ही एक घंटा के लिए भिगो दिया था। फिर अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करके मैंने इसको थोड़े से तेल में इसको फ्राई कर लिया था। तो मेरा मसाला भून चुका है, मेरा सोयाबीन में अच्छा से कोट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। तो राइस को मैंने पहले ही कुक्ड कर लिया था और उसमें मैंने ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से इसको मिला दिया है। तो ये मेरा तैयार हो गया है सोयाबीन पुलाव। और फिर ऊपर से मैंने इसमें पार्सली दे दिया है, आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी दे दें। तो ये मेरा लंच तैयार है और लंच करने के बाद फिर पूरब की मस्ती शुरू। ये देखिए क्या कर रहा है, पाउडर लगा के अपने चेहरे को पूरा कवर कर रहा है। समर में पाउडर एंजॉय कर रहा है। तो ये फिर शाम का समय है, उसको शाम को लेके थोड़ा बैठी में पढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मैंने उसका एक टाइम टेबल सेट कर दिया है कि आपको सारे दिन में एक टाइम तो आपको बैठना है पढ़ने के लिए। तो इससे उन लोग का आदत बना रहता है और मूड भी ख़राब नहीं होता है। तो आप भी अगर टोटलर्स मॉम है तो आप भी ऐसे ही सेट करें उन लोग का टाइम टेबल, ताकि एक टाइम तो वो आराम से बैठे पढ़ने के लिए। और अगर आप टाइम टेबल नहीं सेट कर रहे हैं तो आप उनको जो वो काम में बिज़ी है, खेल रहे हैं या आईपैड देख रहे हैं, तो उनको आप बोल दीजिए कि इसके बाद आपको पढ़ना है। तो उस तरह से उनका माइंड सेट हो जाता है, तो वो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो चलिए, डिनर में बना रही हूँ स्पाइरल पास्ता। और इसको मैं कुकर में पहले बॉईल कर रही हूँ, तो इससे जल्दी हो जाता है आपका बॉईल। तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल और नमक और ढक के इसको मैं अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी। तो मैंने पास्ता में डालने के लिए ले लिया है वेजीज, ये अनियन, कैरेट, ग्रीन कैप्सिकम, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और बीट रूट। इन सबको मैंने रेक्टेंगल शेप में काट लिया है लंबा लंबा। और फिर कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। और फिर इसमें मैं डालूँगी वेजीज। तो सबसे पहले डाल रही हूँ मैं अनियन। हल्का सा सॉटे हो जाने के बाद फिर मैं उसमें ऐड करूँगी कैरेट और बीट रूट। तो इसको हम ढक के पकाएंगे और फिर कुछ देर के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसमें बाकी का इंग्रेडिएंट्स भी इसमें हम ऐड कर देंगे और फिर अच्छी तरीके से इसको ढक ढक के थोड़ा देर ही पकने देंगे। तो क्रंचीनेस रहना चाहिए वेजिटेबल्स का, तो उससे ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। और फिर मैं इसमें ऐड की हूँ सोया सॉस 1 टेबलस्पून। और फिर मैं ऐड करी इसमें ऑर्गेनो और फिर आपका ब्लैक पेपर। तो सबको अच्छी तरीके से डालने के बाद सॉटे कर लेंगे। और सॉटे करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता। तो मैंने पास्ता को अच्छी तरीके से बॉईल किया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड वाला मुझे पसंद नहीं है और फिर बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आई प्रेफर टू ओवर कुक्ड पास्ता, तो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट ओवर कुक्ड हो जाता है। तो इस तरीके से बाकी वेजिटेबल्स में आप मिला दें और लास्ट में इसमें आप शेजवान चटनी ऐड करें और इसको अच्छी तरीके से उसमें मिला लें। तो ये मेरा डिनर तैयार हो गया है, यम्मी यम्मी पास्ता। पूरब को बहुत अच्छा लगता है, इवन हमें भी।
तो रवि को ऑफिस से आने में देरी हो जाता है, तो मैं पूरब को पहले ही उसको डिनर करा देती हूँ। तो यहाँ पे पूरब पापा के लिए पानी भर रहा है, और बच्चे सब आपसे ही सीखते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, तो अच्छा है। तो अच्छी अच्छी आदत, अच्छे एग्जांपल सेट करें बच्चे के सामने, ताकि वो अच्छा इंसान बने। और ये मैंने देखा है, पूरब को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ भी करती हूँ तो उसमें आके ज़रूर, उसे आए या ना है लेकिन थोड़ा तो हाथ बटा देता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कितने तरह के क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इससे क्या होता है। अच्छा है, क्वेश्चन करना चाहिए, और फिर हम मम्मी लोगों को आंसर देना ही पड़ता है, तो ढूंढ ढूंढ के आंसर निकालना पड़ता है और फिर उसको बताना पड़ता है, ताकि उसे सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ ये किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इन लोग का लर्निंग पीरियड है, आप जितना हो सके नॉलेज देने का कोशिश करें, अच्छी अच्छी चीज़ों का। सिर्फ बुक नॉलेज भी नहीं, आपको बाहरी नॉलेज भी देना चाहिए, अच्छे डिसिप्लिन सिखाएं, संस्कारी बनाएं बच्चों को। तो होप आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दुआओं में याद रखें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।